हेलो एवरीवन, आई एम प्रियाशा पाठक और मैं अपने चैनल लर्न मोर समथिंग न्यू में आपके लिए लेकर आई हूँ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोई भी एलिमेंट, आपको पता है पीरियोडिक जो टेबल है उसमें 118 एलिमेंट्स हैं बेसिकली, और उसमें से काफ़ी एलिमेंट्स मेटल्स हैं, काफ़ी नॉन मेटल्स हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है वो बेसिकली नॉन मेटल्स के अंदर बनता है। ये आप ध्यान दीजिएगा कि कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो बेसिकली नॉन मेटल्स ही बनाते हैं। और कोवलेंट बॉन्ड जो हुआ था वो इसी वजह से हुआ था क्योंकि एलिमेंट जो होता है उसको अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन करना होता है, मींस कि उसको स्टेबिलिटी गेन करनी होती है नोबल गैस वाली। जैसे आपको नोबल गैस पता होगी, जैसे हीलियम होती है, आर्गन होती है, नियॉन होता है, क्रिप्टॉन होता है, ज़िनॉन होता है, तो दीज आर द नोबल गैस। और इनकी उनको उनका जो नोबल गैस होता है क्योंकि इनके जो शैल ऑर्बिट्स होते हैं वो फुलफिल होते हैं, और ऑर्बिट्स फुलफिल होने की वजह से वो स्टेबल होते हैं। और वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एलिमेंट्स आइदर डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स और आइदर गेन द इलेक्ट्रॉन बेसिकली। तो और बेसिकली ये जो गेन और डोनेट का सिस्टम होता है वो ऑक्टेट के लिए होता है, क्योंकि किसी भी आउटर मोस्ट शेल में अगर किसी भी एलिमेंट को अगर स्टेबल होना है तो उसे अपना ऑक्टेट गेन करना पड़ेगा, मींस उसे 8 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से या तो वो इलेक्ट्रॉन देता है या फिर वो इलेक्ट्रॉन लेता है। मगर कार्बन जो है उसका क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन तक वो डोनेट कर सकता है, आफ्टर दैट ही हैव टू टेक द इलेक्ट्रॉन, उसके बाद उसको इलेक्ट्रॉन लेने पड़ते हैं। तो कार्बन जो होता है उसकी वर्सेटाइल नेचर होती है, मींस वो उसका जो एटॉमिक नंबर है इट इज़ 6, उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 और 4, मींस के शेल में उसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो या तो और एल शेल में उसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन या तो वो देगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो दोनों ही केसेस में प्रोटॉन जो होंगे वो या तो 4 हो जाएंगे या फिर उसके प्रोटॉन बढ़ जाएंगे, मतलब प्रोटॉन तो वैसे के वैसे रहेंगे, तो उस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ सकता है क्योंकि प्रोटॉन की तो प्रोटॉन नंबर में तो नहीं बढ़ेंगे। तो बेसिकली उसकी वर्सेटाइल नेचर की वजह से कार्बन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को ना देता नहीं है ना लेता है, बल्कि शेयर करता है इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट्स के साथ, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है जिससे वो स्टेबिलिटी को गेन कर पाता है अपनी बैलेंसी के अकॉर्डिंग।